संभाल ले। गरम पानी है? हाँ डाल दो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स अनदर डे। लोग कल घड़ी पहन के सोए हैं। मतलब याद ही नहीं था कि घड़ी उतारने की चीज थी। लास्ट नाइट बहुत ही खराब थी। मैं एक बार सोई हूँ 12 बजे और 4 बजे से मैं सो नहीं पा रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने तो 5-6 लेयर पहन के रखी है, प्लस 5-6 लेयर ओढ़ के रखी है, स्टिल ठंड नहीं जा रही थी। गाइस, ये हमारा होम स्टे जहाँ हम रुके हैं, एंड एक मिरर भी है इसमें। दिस इज आवर लिविंग एरिया। टीवी भी लगी है। अभी तक की ले में सबसे ज़्यादा ठंड थी। ऐसा लग रहा था कि सुबह तक तो मैं ज़िंदा बचूंगी ही नहीं। आज भी हम हानले में ही हैं, एंड आज हम उमिंगला के लिए जाएंगे। उमिंगला थोड़ा सा ऊपर है, उधर भी बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। तो हम 10 बजे निकलेंगे और 4 बजे तक वापस आएंगे, और फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी है, छोटा सा ये विलेज है हानले, सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सो या दैट्स इट। अभी बज रहे हैं 8:30, 9 बजे तक हम नाश्ता करेंगे और 10 तक हम निकलेंगे। बिल्ली का नाम पिल्ला है, और इसका नाम क्या है जिसके साथ खेल रहे हो? इसका नाम हाँ तौबा। और उस वाले का नाम क्या है? हाँ जमरुक। जमरुक, जमरुक। ये सारे नाम किसने रखे हैं? इधर आओ, इधर आओ। अरे सुनो तो, इधर आओ। वो नहीं दोस्ती करते किसी। कौन कौन से गेम आते हैं? बोला चला खाता है। सो गाइस, हमारी गाड़ी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है और स्टार्ट नहीं हो रही है। उसका धुआं बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्ट हो गई। वी आर हैविंग भाजी एंड रोटी। ड्राई लद्दाखी अचार। कैसा है? इट्स मेक यू हॉट। आई डोंट नो दिस। यस। आजा। लोकेशन दिखा दे, ये देख सकते हैं लोकेशन, और जा रहे हैं उमिंगला। ठीक है, जो यहाँ के लोकल हैं उन्होंने इतना पहन रखा है, ये देखो। तो अब ये बताएंगे कि हम क्या पहने हैं। पहना है 5 लेयर, ऊपर 3 लोअर, 3 सॉक्स, और बूट की चेन नहीं बंद हो रही है। अंकल कितनी ठंड है? कितनी ठंड है? कितनी ठंड है? ऊपर ठंड होगा, टेम्परेचर नहीं पता रहता, बस ठंड है। बाकी कम पड़ेगा तो फिर गाड़ी से नहीं उतरेगी ना, और क्या करेगी। हम जा रहे हैं उमिंगला, 1300 फीट। इट्स वर्ल्ड हाईएस्ट मोटेबल रोड, एंड अंकल भी हमारे साथ पहली बार चल रहे हैं गाइड बनके। हमारा गाइड पहली बार चल रहा है उमिंगला हमारे साथ। सही है, ज्यादातर टाइम अलाउ नहीं होता है मिलिट्री के तरफ से, तो इस वजह से। बाकी हम 4 बंदे जा रहे हैं और 4 पहली बार जा रहे हैं, तो आपको एकदम पहला एक्सपीरियंस मिलेगा अपना। ठीक है, ने हमारे लिए दाल चावल रोटी सब्जी चाय गर्म पानी सब चीज की प्रिपरेशन करके दी है, जो हम उमिंगला में खाएंगे। Just to see you, ride for hours just to please you. Although last night was very hard to survive in Hanle, but the morning energy changed everything and uplifts our mood. तो आज का ये सफर मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की पिक्चराइजेशन लग रही थी।
वैसे हानले इज एन आइडियल प्लेस फॉर पीस ऑफ माइंड. ब्यूटी ऑफ बैरन फील्ड्स, पश्मीना गोट्स, वाइल्ड म्यूल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स मेकिंग दिस प्लेस वेरी सीनिक. और अगर आप ये सोच रहे हो कि उमिंगला जाना कैसे है, तो उसके लिए नियरेस्ट विलेज हानले ही है. द रोड्स फ्रॉम ले टू हानले इज वेरी स्मूथ एंड यू कैन रीच हियर इन अबाउट 9 to 10 hours डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्पीड यू आर टेकिंग इन बिटवीन द जर्नी. उमिंगला इज वेरी क्लोज टू चाइना बॉर्डर, स्पेशली फ्रॉम डेमचोक, जो कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे. हालांकि यहाँ आने के लिए यू नीड इन अलाइन परमिट, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू आर ट्रैवलिंग इन लद्दाख, जैसा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था और इसकी लिंक भी दी थी. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैरी योर आईडी कार्ड थ्रू आउट द जर्नी. हानले लाइज इन द वैली ऑफ हानले रिवर, बट लद्दाख इज अ प्लेस जहाँ आपको हर सीजन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा. एंड आई एम ग्लैड दैट आई टुक द डिसीजन ऑफ कमिंग हियर इन विंटर्स एंड विटनेसिंग दीज ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स. वैसे बहुत सी ट्रैवल कंपनीज क्लेम करती हैं कि वो आपको हाईएस्ट पास तक ले जाएंगे एंड सेलिंग देयर पैकेजेस, बट द रियलिटी इज लेह लद्दाख अथॉरिटी डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल परमिट फॉर सिविलाइजेशन टू ग्रांट द एक्सेस टू उमिंगला. हालांकि न्यू रूल में ये भी है कि यू हैव टू टेक अ गाइड फ्रॉम हानले विलेज एंड ही विल चार्ज यू ₹1,000 फॉर इट. और अगर आप इन सब के बिना उमिंगला जा रहे हैं, तो हो सकता है आर्मी ऑफिसर्स आपको रोक दे. एंड दी होल पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट उमिंगला इज वेरी क्लोज टू चाइना बॉर्डर एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू एक्टिविटीज विच पीपल यूजुअली डू ऑन अ टूरिस्ट प्लेसेस. सो गाइस, दिस इज क्रेजी. आई एम एट द हाईएस्ट मोटेबल रोड उमिंगला, विच इज एट 19,300 feet, एंड देर इज नोबडी एक्सेप्ट अस. सांस फूल रही है. द बेस्ट पार्ट इज आई एम एट द हाईएस्ट पीक ऑन वुमेन्स डे 2022. इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट. सबको मैं 2-3-4 दिन से ही जान रही हूँ, बट एट द एंड एवरीथिंग इज वर्थ इट. सो अभी आई एम गोइंग टू क्लिक सम पिक्चर्स, मेक वीडियोज फॉर यू गाइज. एंड उसके बाद जो हमारा होम स्टे है, वहाँ पे आंटी ने हमें दाल चावल पैक करके दिया, स्पेशली ऑन माई डिमांड. दाल चावल की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी. क्या बात है, थैंक यू. There was so much positive energy in and around me, and isi ke saath I ticked off another place from my bucket list. हम आ गए थे हानले विलेज. हाय. हानले इज अ रिमोट विलेज, और इसी के साथ ये एक ऑफबीट प्लेस भी है लद्दाख में, जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 300 लोगों की है. The thing that attracts me more toward this village is their lifestyle is slow and it's perfect to observe little things in life. हर सफर की एक कहानी है, और ये कहानी मेरी और मेरे जैसे कई लोगों की है जो कि सिटीज में रहते हैं. हमें अक्सर ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो कि दूसरों के पास रहती हैं, जैसे ये दिन. यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल लाइफ है, लेकिन हम 1,000 किलोमीटर तय करके इसे जीने आते हैं.
थक चुके रहते हैं शायद कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते भागते, तो क्यों ना ज़िंदगी थोड़ी सी धीमे कर ले। स्लो डाउन योर लाइफ। ढलते हुए सूरज के साथ हम आ गए थे स्टार गेजिंग करने। तो लद्दाख हैज़ दी हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन दी वर्ल्ड एंड इट्स वेरी गुड लोकेशन फॉर स्काई ऑब्जर्वेशन। इट इज़ ऑपरेटेड फ्रॉम बैंगलोर एंड द स्काई वॉज वेरी क्लियर एंड वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवर देयर। दिस इज़ बाय द वे हीटर जिसमें इन्होंने थोड़ा काउडंग वगैरह डाल के चलाया है, थोड़ा सा गर्म है जिसकी वजह से, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड आई एम जस्ट रीडिंग अ बुक। तो कल मॉर्निंग में हमें निकलना है अराउंड 8 o'clock एंड जिसके लिए ऑलमोस्ट 6 बजे तो उठना पड़ेगा। पेंगोंग लेक से ले तक का रास्ता इज़ लाइक 3 hours एंड यहाँ से पेंगोंग लेक भी दूर है, तो आई गेस की रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। सो हम जितना अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। सो या आई एम जस्ट हैविंग माई कॉफ़ी। बहुत ठंड है, पता नहीं लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। सो गाइस दिस इज़ दी ओनली वे जिससे आप खुद को गर्म रख सकते हो, ये है गोट डंग। ये है थोड़ी सी केरोसिन। और इसमें हम लगाएंगे आग। ये बस ठीक हो जाएगा। गरम हो जाए जल्दी। हाँ बस धन्यवाद। ये भी आप कॉफी पर। सो आज के व्लॉग में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे फ्रोजन पेंगोंग लेक और चाइना बॉर्डर के थोड़े और करीब। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।